ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के चौक बाजार में नगर परिषद द्वारा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही अमल में लाई गई। इस मौके पर नगर परिषद के साथ पुलिस ने भी अतिक्रमण पर कार्यवाही अमल में लाई। इस अभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने जो भी सामान दुकान से बाहर निकला वे उठाकर जब्त कर लिया, जिसको लेकर नगर परिषद कर्मचारियों पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारों के समय पर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। सोलन के चौक बाजार में नगर परिषद द्वारा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर नगर परिषद के साथ पुलिस ने भी अतिक्रमण पर कार्रवाई अमल में लाई। इस अभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने जो भी सामान दुकान से बाहर मिला वे उठाकर जब्त कर लिया, जिसको लेकर नगर परिषद कर्मचारियों पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने ऐतराज जताया कि त्योहारों के समय पर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अमित आनंद, कीर्ति सूद और अन्य व्यापारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा उनका सामान जबरन उठा लिया गया है। उठाए गए सामान की उन्हें कोई रसीद तक नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भी सामान नगर परिषद उठाती है वे पूरा उन्हें वापस नहीं मिलता है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय भारत के हर बाजार में सामान दुकान के बाहर लगाया जाता है, लेकिन सोलन में इस पर नगर परिषद कार्रवाई अमल में ला रही है, जो व्यापारियों के हित में नहीं है। उन्होंने नगर परिषद से अपील की है कि वे त्योहारों के बीच अपने नियमों में बदलाव करें और व्यापारियों के व्यवसाय में बाधा न बने। देखिए, जहां तक तो कार्रवाई का सवाल है, वो तो कार्रवाई जो है प्रशासन कर सकता है, मगर प्रशासन को कुछ चाहिए कि जब त्यौहार आते हैं त्यौहारों के दिनों में 5-4 दिन की छूट जो व्यापारियों को देनी चाहिए। जबकि दिल्ली के सदर बाजार के अंदर इतनी भीड़ भाड़ होती है और वहाँ पे भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे छोटे से शहर सोलन में ऐसी कार्रवाई करने का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है, जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार को पैसा कमा कर देता है टैक्स के रूप में, मगर एकदम आना और आकर के उठा करके सामान एकदम जमा उनका फेंक देना कहते गाड़ी के अंदर प्रशासन द्वारा, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि किसी का सामान कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और एंड में जाकर के किसको क्या मिलता है, माल छूटता है, रिलीज होता है, नहीं होता है, तो उसको यही नहीं पता लगता मेरा कितना सामान उठा के लेके। या तो वो रसीद दें, नोट करें अपने पास भी, हम इतने पे चीज आपकी उठा करके लेके जा रहे हैं, आप इसका चलान भुगतें, आपने सड़क को कंपाउंड कर रखा है, तो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन त्योहारों के दिनों में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो ये बाजार में कूड़े की गाड़ियां त्योहार के टाइम पे 3-3 बार गाड़ी आ रही हैं, दूसरा स्कूटर वाले लड़के इतने तेज स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कम से कम ये एक हफ्ता मार्केट के अंदर बंद होने चाहिए या इनका टाइम पीरियड रात को 8-9 बजे के बाद होना चाहिए। हम लोग तो फिर भी इतनी, हम लोग क्यों थोड़ा बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो माल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी क्वांटिटी बाहर लगी होती है। हम मानते हैं कि हम इस लेवल पर गलत हैं, हम नगर परिषद के इस लेवल पर साथ हैं और सारे साल उनका साथ देते हैं। तो मेरी नगर परिषद से ये गुजारिश है कि कम से कम ये जो 3-4 दिन का है मौका, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा नजायज आपके किसी कब्जे पे कोई कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे को तसल्ली बख्श माल बेचने दिया जाए। और जो बाजार में चलने की दिक्कत है उसमें ये स्कूटर मोटरसाइकिल वाले और गाड़ियाँ, कई लोग अपनी मारुति कार गाड़ियाँ लेके इस टाइम बाजार में आए हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमने थोड़ा सा माल बाहर लगा दिया, आज हमारा माल बाहर उठा लिया, कोई बात नहीं, हम नगर परिषद के फिर भी साथ हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से ही सब कुछ मिला है, वही हमारे को रोड प्रोवाइड करते हैं, वही हमारे को सब कुछ करते हैं। लेकिन उनको भी तो हमारा एक ये पहलू देखना चाहिए कि ये 3-4 दिन व्यापार के हैं, इन 3-4 दिन में व्यापारी को इतना तंग ना किया जाए। और मेरी पहली गुजारिश मेरा आखिरी यही है कि बाजार में जो स्कूटर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ, कम से कम ये 3-4 दिन प्रशासन से मेरी आग्रह है, गुजारिश है कि ये 3-4 दिन बिल्कुल बंद हो, कि बाजार में कोई गाड़ी ना आए।